नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश दादीच। हम लोग बात कर रहे हैं गांधी जी के बारे में, और हमने बात की कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया और उसने कहा कि किस प्रकार से जो संवैधानिक गतिरोध पैदा हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको गांधी जी ने कोशिश की कि उसकी जो जो उन्होंने ऑफ़र दी थी उसको परिवर्तित करके एक नए प्रकार की ऑफ़र उनसे ली जाए। उसमें वो सफल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। इसके पश्चात गांधी जी और ने कोशिश की कि किस प्रकार से इस गतिरोध को दूर किया जाए। वे चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार एक अंतरिम सरकार बन जाए, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात भारत का शासन भारतीयों को दे दिया जाए। बाद में लॉर्ड वावेल यहाँ पर वायसराय बन के आए, और लॉर्ड वावेल गांधी जी के बहुत खिलाफ़ थे, या जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वो प्रो इंपीरियलिस्ट नीति को मानने वाले थे, और उन्होंने जिन्ना को गांधी के बराबर समकक्ष रखने की कोशिश की। उन्होंने पहली बार ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये स्थापित किया कि जिन्ना मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि है, और गांधी उस अर्थ में कांग्रेस के प्रतिनिधि है लेकिन वो हिंदुओं के प्रतिनिधि है। और इसलिए जब गांधी ने कोशिश की कि हम तीनों मिलकर बैठें और इसको बातचीत को उसके द्वारा इसका समाधान करें, तो वावेल ने मिलने से भी मना कर दिया। तो गांधी ने खुद ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर जिन्ना से बात की, और फिर उसके पश्चात उन्होंने कहा कि एक राजा जी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग बात हमको बात करना चाहिए। और शिमला में 1945 में मीटिंग हुई, उसमें गांधी जी का ये मानना का ये कहना था राजा जी फॉर्मूले के अनुसार कि हम एक आंतरिक सरकार का गठन करें जिसमें मुस्लिम लीग भी हमारे साथ शामिल हो, और उसके पश्चात जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें एक जनमत संग्रह कर लिया जाए कि अगर वो अलग राष्ट्र चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जिन्ना बिल्कुल अड़े रहे, उन्होंने कहा कि नहीं, पहली बात तो यह है कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सिर्फ मैं हूँ, इसलिए मुस्लिम क्या चाहते हैं ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, आप इसके बारे में नहीं बता सकते। और दूसरी बात यह है कि पहले पाकिस्तान का आइडिया आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके पश्चात जनमत संग्रह किया जाएगा, और जनमत संग्रह में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें मुस्लिमों के अलावा किसी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इस अड़ियल रवैये के कारण से शिमला में जो बातचीत हुई वो भी 1945 में, वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। उसी समय कैबिनेट मिशन भी 1946 में यहाँ पर आया, और कैबिनेट मिशन ने एक फॉर्मूला दिया कि भारत के संविधान कैसे बनना चाहिए, इसके लिए एक चुनाव के द्वारा कुछ प्रतिनिधियों को चुना जाए जिससे कि वो संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ करें। और हम देखते हैं कि चूँकि युद्ध समाप्त हो चुका है इसलिए हम सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार से किया जाए इसको देखा जाए। तो कैबिनेट मिशन के फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर चुनाव किए गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर बनाई गई। मुस्लिम लीग ने हालांकि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा लेने से बिल्कुल मना कर दिया, और उन्होंने जो जो बात जिन्हा ने कही वो ये थी कि 16 अगस्त 1946 को उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एक्शन प्रोग्राम रखा जाए, यानी पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों को एक पूरा आंदोलन करना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि बंगाल में उस समय सोहरावर्दी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जो वहाँ देख रहे थे, उन्होंने 16 अगस्त को कलकत्ता में पुलिस की छुट्टी घोषित कर दी, अघोषित छुट्टी घोषित कर दी फॉर्मली, और कहा कि चूंकि 16 अगस्त को एक बहुत बड़ा एक दिवस मनाया जा रहा है इसलिए पुलिस अपने घर पे चले जाए। उस 16 अगस्त के डायरेक्ट एक्शन का नतीजा ये हुआ कि बहुत सांप्रदायिक दंगे हुए, कलकत्ता में कम से कम 5,000 लोग मारे गए। उसके बाद नोआखली में दंगे हुए, और नोआखली का रिटेलिएशन हिंदू मुस्लिम में दंगे हुए, उसका रिटेलिएशन बिहार में हुआ। तो गांधी जी उस समय वहीं पर थे और वो गए, वो नोआखली भी गए, वो बिहार भी गए, और ये बताने की वो देखने की कोशिश करी भाई आप सांप्रदायिक दंगे न किए जाएं। लेकिन जिस तरह की जो आग फैल रही थी, धीरे धीरे जिस तरह से भड़काया जा रहा था लोगों को, उससे हिंदू मुस्लिम के साथ रहने की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही थी, और ऐसी स्थिति में गांधी जी ने कहा था कि हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हम अगर हम ये जो विभाजन की बात है इसको हम स्वतंत्रता के साथ से पहले ही मान लें या स्वतंत्रता के साथ मान लें तो शायद बेहतर होगा, अन्यथा ये मारधाड़ और ये हिंसा और बढ़ती जाएगी। बाद में जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत मार्च 1947 में यहाँ पर वाइसराय बन के आए, तो उन्होंने सबसे पहले गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया और कहा कि किस प्रकार से इसका समाधान करना चाहिए। गांधी जी ने सुझाव दिया था कि एक सरकार, अंतरिम सरकार पहले बना ली जाए, उसके बाद बैठ कर इसके बारे में बात की जाए। लेकिन गांधी जी की बात को बाकी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और कांग्रेस भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि चूंकि इतना ज़्यादा हिंसा यहाँ पर फैलती जा रही है इसलिए ये ज़रूरी है कि जो स्वतंत्रता है वो हमको दी जाए, उसके साथ साथ भारत का विभाजन भी कर लिया जाए। तो
पहले तो 1948 का समय दिया गया था, मैं समय दिया गया था भारत के विभाजन का, लेकिन फिर जो हिंसा बढ़ रही थी उसको देखते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी गई। उस समय गांधी जी कलकत्ता में थे और कलकत्ता में जो दंगे हो रहे थे आसपास, वहाँ पे दंगों को रोकने में वो लगे हुए थे। उन्होंने आज़ादी का कोई जश्न नहीं मनाया। उसके पश्चात भी जब मालूम पड़ा कि पंजाब में बहुत से दंगे अभी भी चल रहे हैं, तो वहाँ से वो रवाना हुए, दिल्ली आए और दिल्ली से पंजाब जाना चाहते थे। दिल्ली में भी शरणार्थी पंजाब से आए हुए थे वहाँ पर, तो उनके साथ भी मिसबिहेव हो रहा था, दंगे हो रहे थे। तो गांधी जी ने वहाँ पर रुककर कुछ भूख हड़ताल करी और उनका समझाया कि हमको हिंसा में लिप्त नहीं होना चाहिए। उस समय करीब 1 करोड़ से अधिक लोग इधर से उधर गए थे और काफ़ी 5 लाख के करीब लोगों को माना जाता है कि उनकी मृत्यु हुई थी। तो विश्व का सबसे बड़ी जो कैसे जनसंख्या की अदला बदली की घटना उस समय हुई थी, जो अभूतपूर्व थी। गांधी जी वहाँ पर रहे, तब तक गांधी जी के ऊपर 20 जनवरी को बम भी फेंका गया। एक मदन लाल नाम का कोई व्यक्ति था, उसको पकड़ा भी गया और गांधी जी ने कहा कि ये इस व्यक्ति को से बातचीत करके इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि ये नासमझ व्यक्ति है। और उसके पश्चात हम जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को जब गांधी बिरला मंदिर में अपनी शाम की सभा करने जा रहे थे, उस समय उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से गांधी का ये जो जीवन है वो मुख्य रूप से अपना पूरे जीवन में उन्होंने अहिंसा को अपनाए रखा, शांति की स्थापना करने की बात की और उन्होंने कभी भी अपने विरोधियों के प्रति द्वेष भाव या घृणा भाव नहीं रखा और वे अपने आप को किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व न मानकर पूरे विश्व का, मानवता का प्रतिनिधित्व के रूप में वो काम करते रहे और इस कारण से दुनिया भर में गांधी का बहुत मान है। हम देख सकते हैं कि आज जब हम गांधी की बात करते हैं तो ये जो मैंने बातें आपको बताई ये सिर्फ भारत में जो गांधी ने काम किया उसके बारे में है। तो भारत के राष्ट्रपिता तो थे ही, जब वो सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता के रूप में घोषित, उनको सबसे पहले संबोधित किया जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बनाकर भारत की आज़ादी के लिए बाहर से युद्धरत थे, तो जो पहला उन्होंने उद्घोषणा की तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में की, भारत के राष्ट्रपिता के बारे में की, जिसमें उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। तो इस प्रकार से गांधी जी के प्रति सभी वर्गों में सभी प्रकार के जो ओपिनियन रखने वाले लोगों के बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन उनका इस प्रकार का था कि उन्होंने गरीबी का जीवन अपनाकर, सभी सामान्य व्यक्ति का जीवन अपनाकर, सामान्य व्यक्ति के जैसा बिहेवियर करके उनकी बातों को सामने रखने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि आज हम लोग इतना ही देखते हैं। तो इस प्रकार से गांधी की जो जीवन था उसको मैंने संक्षेप में, जो कार्य राजनीतिक कार्य किए थे उसको बताने का प्रयास किया। अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे गांधी जी के विचार क्या है थे, उनका महत्व क्या है और उनके बारे में जो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती है उसका जवाब किस प्रकार से दिया जाए। धन्यवाद।